नमस्कार, प्रस्तुत है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सीरीज का यह पार्ट 11 वीडियो। इस वीडियो में जो हमने पैसेज चुना है ये क्लास 5 के चैप्टर से है। चलिए शुरू करते हैं। इसका हेडिंग है सुधा चंद्रन। ये सुधा चंद्रन के जीवन से संबंधित है। सुधा चंद्रन इज अ सक्सेसफुल भारतनाट्यम डांसर। सुधा चंद्रन एक सफल, सक्सेसफुल मीन्स सफल, भारतनाट्यम डांसर यानी नर्तकी है। शी इज एन इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। वह एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन की अदाकारा है। एक्ट्रेस में का अर्थ होता है अदाकारा, या कहें कलाकार। She had lost her right leg in a car accident while coming back from Chennai with her parents. उसने अपने पेरेंट्स यानी माता पिता के साथ चेन्नई से लौटते समय एक कार एक्सीडेंट में अपना दाहिना पैर खो दिया। सी हैड लॉस्ट का अर्थ होता है उसने खो दिया। चंद्रन सेज दैट दिस वाज द टफेस्ट टाइम फॉर हर लाइफ। चंद्रन कहती है कि यह उसके जीवन का सबसे कठिनतम समय था। टफेस्ट मतलब कठिनतम। शी ओवरकेम हर डिसेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक जयपुर फुट। उसने अपनी दिव्यांगता को कृत्रिम जयपुर पैर से हराया। ओवरकेम जो है ना, इसका जो प्रेजेंट होता है वो ओवरकम, ओवरकम। तो ये जो ओवरकम है इसका मतलब होता है हराना, और इसी का पास्ट हो गया ओवरकेम, हराया। प्रोस्थेटिक का अर्थ होता है कृत्रिम। She is now a well-known dancer of the Indian subcontinent. वह भारतीय प्रायद्वीप उपप्रायद्वीप की एक मशहूर नर्तकी है। डांसर मीन्स नर्तकी, और सब कॉन्टिनेंट हो गया उपप्रायद्वीप। तो चलिए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज सुधा चंद्रन। सुधा चंद्रन कौन है? उस पैसेज से ही हमने इसका आंसर निकाला है। सुधा चंद्रन इज अ सक्सेसफुल भारतनाट्यम डांसर। सुधा चंद्रन एक सफल भारतनाट्यम नर्तकी है। शी इज एन इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। वह एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन की कलाकार है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड सी लूज हर लेग। उसने अपना पैर कैसे खो दिया? सी लॉस्ट हर राइट लेग इन अ कार एक्सीडेंट वाइल कमिंग
फ्रॉम चेन्नई विथ हर पेरेंट। अपने पेरेंट के साथ चेन्नई से लौटते हुए एक कार एक्सीडेंट में उसका दाहिना पैर खो गया, यानी चला गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड सी ओवरकम हर डिसेबिलिटी। उसने अपनी दिव्यांगता या विकलांगता को किस तरह से हराया। सी ओवरकेम हर डिसेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक जयपुर फूट। उसने अपनी दिव्यांगता को कृत्रिम जयपुर पैर की सहायता से हराया। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम सुधा चंद्रन्स लाइफ। सुधा चंद्रन के जीवन से आप क्या सीखते हैं, कौन सी सीख आपको मिल रही है। वी लर्न फ्रॉम सुधा चंद्रन्स लाइफ दैट वी शुड नॉट गिव अप इन लाइफ। सुधा चंद्रन के जीवन से हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों को कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। गिव अप का अर्थ होता है हार मानना।